हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो वीवो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज अब जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है और वीवो आईपीएल 2021 के सेकंड फेज का इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमी काफी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन अब वीवो आईपीएल 2021 के सेकंड फेज से 10 बड़े विदेशी खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में खेलने से इनकार कर दिया है। इसमें बाहर होने वाले 10 बड़े विदेशी खिलाड़ी जो हैं उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लिया है अपने इंजरी की वजह से, चोटिल होने की वजह से, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने अपना नाम लिया है आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया है नेशनल ड्यूटीज की वजह से, क्योंकि उन्हें अपने देश की तरफ से उस समय सीरीज और मैचेस खेलने हैं जब आईपीएल 2021 का सेकंड फेज यूएई में खेला जाएगा सितंबर और अक्टूबर के विंडो में। और अब आईपीएल 2021 का सेकंड फेज खेलने से मना करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ताजा खिलाड़ी जुड़े हैं, वो हैं स्टीव स्मिथ जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा हैं। आईपीएल 2021 में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ मुकाबले खेले भी थे, लेकिन आईपीएल 2021 का सेकंड फेज खेलने से स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया, अपना नाम वापस ले रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने कहा कि मैं पहले फेज में भी कंफ्यूज था, जब भी मैं बैटिंग के लिए आया तो मुझे दवा लेनी पड़ी, पेन किलर लेना पड़ा। एक समय आया जब मुझे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूं, पर अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है, जिसके कारण स्टीव स्मिथ आईपीएल 2021 के सेकंड फेज से अपना नाम वापस ले रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से 100% फिट रखना चाहते हैं आगे आने वाले एसएस सीरीज के लिए। तो स्टीव स्मिथ के बाहर होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को काफी तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा और भी 9 खिलाड़ी बाहर हुए हैं, 9 विदेशी खिलाड़ी और भी इस लिस्ट में शामिल है जो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज नहीं खेलेंगे, इनकार कर दिया आईपीएल का सेकंड फेज खेलने से। तो पूरी विस्तार से सभी खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि यहां पर भी लगातार क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सभी पेजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को अभी फटाफट लाइक और फॉलो कर लें लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 14 संस्करण यानी कि वीवो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज अभी यूएई में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद, जहां भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक खेली जाएगी। और बीसीसीआई सोच विचार कर रहा है कि आईपीएल 2021 का सेकंड फेज 19 सितंबर से स्टार्ट किया जाए यूएई में और इसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर 2021 को कराया जाए। लेकिन चूंकि आईपीएल 2021 के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2021 खेला जाना है और टी20 वर्ल्ड कप 2021 की तारीख 100% कंफर्म हो चुकी है, जो कि 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा और जब आईपीएल 2021 15 अक्टूबर को खत्म होगा, तो ऐसे में गैप काफी कम बचता है, जिसके चलते बीसीसीआई ने दोबारा सोच विचार शुरू कर दिया कि आईपीएल 2021 को टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से और पहले खत्म किया जाए, यानी कि 10 अक्टूबर के आसपास आईपीएल का फाइनल खेला जाए। तो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज यूएई में सितंबर अक्टूबर के विंडो में खेला जाएगा। 19 सितंबर से आईपीएल 2021 स्टार्ट होने वाला है और इसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। हालांकि अभी तक फाइनल कंफर्म डेट अनाउंस नहीं हुई है बीसीसीआई की तरफ से और जल्द ही आईपीएल 2021 का कंफर्म शेड्यूल और डेट अनाउंस होने वाला है। जैसे ही आईपीएल 2021 का कंफर्म शेड्यूल और डेट अनाउंस होता है, आपको सबसे पहले इसी चैनल पर उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब आईपीएल 2021 के सेकंड फेज से 10 बड़े खिलाड़ी बाहर हुए हैं। पहले खिलाड़ी जो भी जल्दी बाहर हुए हैं, अपना नाम वापस लिया आईपीएल में खेलने से मना किया है, वह है दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स, ऑलराउंडर दिल्ली कैपिटल्स के ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तीसरे खिलाड़ी जॉन मॉर्गन, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान, जबकि चौथे खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो, सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज। पांचवे खिलाड़ी मोइन अली, चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन ऑलराउंडर। छठे खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज जो राजस्थान रॉयल्स की टीम का भी हिस्सा है, जबकि सातवें खिलाड़ी साकिबुल हसन जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिबुल हसन भी अपना नाम वापस ले चुके हैं नेशनल ड्यूटी की वजह से। आठवें खिलाड़ी सैम करन, चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन युवा ऑलराउंडर, जबकि नौवें खिलाड़ी पैट कमिंस, कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज, ये भी अपना नाम वापस ले चुके हैं, आईपीएल में खेलने से मना कर चुके हैं। दसवें और आखिरी खिलाड़ी जोश बटलर, राजस्थान रॉयल्स के जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन जोश बटलर भी आईपीएल में खेलने से इनकार कर चुके हैं। तो ये 10 बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2021 के सेकंड फेज से अपना नाम वापस लिया है, आईपीएल में खेलने से मना कर दिया अपने नेशनल ड्यूटी की वजह से और अपने इंजरी की वजह से। तो इन 10 बड़े विदेशी खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद अब सभी टीमों को नए खिलाड़ियों को शामिल करना होगा एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर और जल्द ही सभी टीम इनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस करने वाली है, जो कि 15 जुलाई के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे जैसे इन सभी खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट अनाउंस होगा, इनकी जगह पर जो जो खिलाड़ी जिस टीम में भी शामिल होंगे, आपको सबसे पहले अपडेट्स दी जाएगी क्रिकेट सुपर फैंस यूट्यूब चैनल पर।